नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जनरल नीट के कॉन्सेप्ट पढ़ते समय हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की चर्चा कर रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोगों ने ढेर सारे पॉइंट सीखे थे, जैसे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होगा, ये हम ECS में SRP की वैल्यू को देख के पता कर सकते हैं। SRP वैल्यूज को ECS में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मान के रखा गया। जेंटलमैन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए SRP या SOP की वैल्यू को 0 वोल्ट कंसीडर किया गया। डिफरेंट टाइप के एसआरपी और एसओपी की मदद से हम इलेक्ट्रो केमिकल सेल, जिसको आप गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसको मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट टू, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट टू। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट टू में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं कि मान लो, लेट अस कंसीडर जेंटलमैन, हमने एक कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में हमने फ्यूज्ड NaCl को फिलअप कर दिया। इस कंटेनर में फ्यूज्ड NaCl, को हमने इसमें फिलअप कर दिया। फ्यूज्ड NaCl का मतलब इसमें दो टाइप के आयन्स होंगे, Na प्लस एंड Cl माइनस, दो टाइप के आयन्स होंगे जेंटलमैन इसमें, Na प्लस और दूसरे जो आयन्स होंगे वो Cl माइनस। अब इस सॉल्यूशन में Na प्लस और Cl माइनस आयन्स प्रेजेंट हैं, तो इन आयन्स का जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, रैंडम होगा। तो पहला पॉइंट मैं क्या बता रहा हूं कि मूवमेंट ऑफ आयंस, और आयंस में क्या है, Na प्लस एंड
Cn माइनस मूवमेंट ऑफ आयंस Na प्लस एंड Cl माइनस विल बी रेंडम जेंटलमैन जो मूवमेंट होगा Na प्लस और Cl माइनस आयंस का वो रेंडम होगा और ये कब होगा जब मैंने इस कंटेनर में कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की है तो मैं लिख सकता हूं विल बी रेंडम इन द एब्सेंस ऑफ अ बैटरी अगर मैंने कोई बैटरी मतलब इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई नहीं किया है तो जो मूवमेंट होगा आयंस का Na प्लस और Cl माइनस का वो क्या होगा रेंडम होगा। मान के चलो कि इसी कंटेनर में मैं एक बैटरी दो मेटल की प्लेट को रख के एक बैटरी मैं कनेक्ट कर दूं और अभी इसमें Na प्लस और Cl माइनस पड़े हुए Na प्लस और Cl माइनस पड़े हुए हैं तो आप देख रहे हैं कि अब Na प्लस ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको मैं क्या बोल सकता हूं एनोड और जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको मैं क्या बोल सकता हूं कैथोड। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया एनोड और अब ये सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया। अब यहां पे जो मूवमेंट होगा ना वो स्पेसिफिक हो जाएगा जो कैटायन होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और जो एनायन होंगे वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। मतलब स्टेटमेंट क्या होगा कि मैं क्या लिख सकता हूं अब कि मूवमेंट ऑफ आयंस में क्या क्या है कैटायंस और एनायंस becomes specific जो अब आयंस का जो मूवमेंट होता है वो कैसा हो गया स्पेसिफिक हो गया। कैटायंस और एनायंस का जो मूवमेंट है वो कैसा हो गया स्पेसिफिक हो गया और ये कब हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ये जो आयंस का मूवमेंट है जेंटलमैन वो स्पेसिफिक हो गया, अब रेंडम नहीं रहा। मतलब आप देख पा रहे हैं कि कैटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायंस मूव टुवर्ड्स एनोड। यू कैन सी जेंटलमैन, आप लोग इस बात को देख पा रहे हैं भाई जो मूवमेंट होगा तो वो अपोजिट प्लेट की तरफ ही होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो कैटायन का मूवमेंट है वो कैथोड की तरफ हो रहा है और जो एनायन का मूवमेंट है वो किसकी तरफ हो रहा है, एनोड की तरफ हो रहा है। मतलब जब हमने फ्यूज्ड NaCl या मोल्टन NaCl को लिया था तो जो आयंस का मूवमेंट था वो रैंडम हो रहा था। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस को शो किया, तो जो आयंस का मूवमेंट है जेंटलमैन वो कैसा हो गया, स्पेसिफिक हो गया। जो कैटायंस हैं वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं और जो एनायंस हैं वो एनोड की तरफ जाने लगे। मतलब हम यहां पे क्या देख पा रहे हैं कि द मूवमेंट ऑफ आयंस इन द प्रेजेंस, द मूवमेंट ऑफ आयंस प्रेजेंट इन मोल्टन, मोल्टन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट, द मूवमेंट ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द मूवमेंट ऑफ आयंस प्रेजेंट इन मोल्टन फ्यूज और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज the presence of electricity takes place in the electrolytic cell. The movement of ions present in molten fused और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मतलब अगर हमने कोई सॉल्ट लिया जेंटलमैन और उसको अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करा के उसको हमने जो है आइंस में ब्रेक करके उनका मूवमेंट कराया तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम क्या बोल सकते हैं, द डिस्चार्जिंग द मूवमेंट
और गेट डिस्चार्ज और गेट डिस्चार्ज ऑन ए कैथोड और एनोड। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ आयंस और गेट डिस्चार्ज एट इलेक्ट्रोड एट कैथोड और एनोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइसिस की कहीं पे भी चर्चा हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए इलेक्ट्रिक करेंट, मतलब जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इज कंपल्सरी। मतलब आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा वोल्टेज सेल था, हमारा जो वोल्टेज सेल था, एक था हमारा वोल्टेज सेल और एक आया हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आप देख पा रहे हैं, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है जेंटलमैन वो क्या है। जो वोल्टेज सेल था, जो गैल्वेनिक सेल था, या उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल रहे थे, उसमें भी दो इलेक्ट्रोड थे, इसमें भी दो इलेक्ट्रोड है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि वोल्टेज सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है कि आप इसमें बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। जो वोल्टेज सेल है उसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन इसमें मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम। इसमें इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और उसमें क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है कि इसमें मैं बोल सकता हूं कि इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू केमिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जेंटलमैन, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में। और यही जो प्रोसेस है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिंपली आपसे कोई ये पूछता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, मतलब दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं, इंटू केमिकल एनर्जी। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक
सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जेंटलमैन इस बात को ध्यान देने वाली है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो और वो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब समझो आप कि दो टाइप के टर्म होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें हम करंट को फ्लो नहीं करा सकते, जिसमें हम करंट को इलेक्ट्रिक करंट को परमिट नहीं कर सकते, उसको आप क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और जिसमें हम परमिट कर सकते हैं उसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी कंडीशन क्या क्या हो सकती है, वो फ्यूज हो सकता है या फिर मोल्टन हो सकता है और या फिर वो एक्वस हो सकता है। तो यहां पर ये ध्यान देना कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जेंटलमैन, वो फ्यूज हो सकता है, वो मोल्टन हो सकता है, एक्वस हो सकता है, और इस दोनों कैटेगरी को हमें ध्यान में रखना है। बस ये थोड़ी सी बात समझने वाली है कि जब एक्वस सॉल्यूशन आएगा तो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट, बड़ा सरल कर देता हूं मैं इस शब्द को, इलेक्ट्रोलाइट प्लस वॉटर आ जाएगा जेंटलमैन। लिसन केयरफुली, जब एक्वो सॉल्यूशन होगा तो इलेक्ट्रोलाइट प्लस वॉटर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइट में जेंटलमैन क्या होंगे, केटाइन और क्या होंगे, एनाइन। और वाटर में भी दो प्रकार के आयन होंगे, एक H प्लस और दूसरा होगा OH माइनस। तो इसको ध्यान में रखना है, इसको अवॉइड नहीं करना है आपको, कि जैसे ही हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो सॉल्ट है, उसको हम वाटर के साथ यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, जो सॉल्ट होगा, मैं आपको क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सॉल्ट, यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट में कैटायन होगा, एनायन होगा, और वाटर अगर है, देखो सिंपली अगर मैं इसमें बात करूंगा जेंटलमैन, तो इसमें केवल केटाइन एंड एनाइन, केटाइन और एनाइन होंगे, लेकिन वो केवल किसके होंगे, जिस मेटल का मैंने सॉल्ट लिया है, सॉल्ट ओनली। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, जैसे मान लो कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने एक एग्जाम्पल लिया और उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ आया फ्यूज्ड या फिर लिखा हुआ आया मोल्टन NaCl, ये लिखा हुआ आया था,
अब इसमें आप इलेक्ट्रोलाइसिस में देखने वाली बात यह है कि इसमें आप दो टाइप के आयन की बात कर सकते हैं, Na प्लस और दूसरा होगा Cl माइनस। केवल आप इनकी बात कर सकते हैं। Na प्लस जो होगा वो कहां चला जाएगा, कैथोड पे, और जो Cl माइनस होगा वो कहां चला जाएगा, एनोड पे। लेकिन अगर इसी में मैं दूसरा एग्जांपल लू और मैं लिखू एक्वस NaCl, तो एक्वस NaCl में साहब कितने टाइप के आयन्स हो गए, थोड़ा सा ध्यान दें कि Na प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, H प्लस हो गया और OH माइनस हो गया। तो इनको हम कंसीडर करना, इनको हमें कंसीडर करना ही पड़ेगा। मतलब जब कभी भी एक्वस की बात आएगी या हम दो सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो ध्यान देने वाली बात यह है जनरल में कि देयर विल बी टू टाइप ऑफ कैटाइन्स और एनाइन। हमारे पास दो प्रकार के कैटाइन या एनाइन होंगे, हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। ये चर्चा बात की है लेकिन हमें फिर भी ये कंसीडर करना है, इस बात को दिमाग में रखना है कि इन दोनों में डिफरेंस है। अगर यहाँ एक्वस मैंने डाल दिया तो ये जो दो आयन, एक कैटाइन और एनाइन है, ये किसकी प्रेजेंस शो कर रही है, वाटर की। तो मतलब मुझे वाटर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चेक करना पड़ेगा कि हो सकता है या नहीं। जिसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा वो एनोड पे चला जाएगा और जिसका रिडक्शन हो जाएगा वो कैथोड पे चला जाएगा। क्योंकि चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, चाहे वोल्टेज सेल हो, कोई भी सेल हो, उसमें हम कैथोड पर हमेशा रिडक्शन कराते हैं और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो कैथोड पर कैटाइन जाने वाला है और एनोड पर एनाइन जाने वाला है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस में हम दो प्रकार की चर्चा करने में इंटरेस्टेड रहेंगे कि जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की बात की, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात की, तो वहां पर दो टाइप की एनालिसिस हमें करनी है और दो टाइप की एनालिसिस पे ही क्वेश्चन बनने हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट टू में जब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करूंगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहां पर जेंटलमैन में दो प्रकार की चर्चा करूंगा। क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरी चर्चा आएगी जिसको मैं बोलूंगा क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं फॉर्म एट कैथोड और एनोड। कैथोड और एनोड पर कौन से प्रोडक्ट बनने वाले हैं ये मैं डिस्कस करूंगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मैं डिस्कस करूंगा कि कौन से प्रोडक्ट्स, कैटाइन को कहां जाना है साहब, कैथोड पे, एनाइन को साहब कहां जाना है, एनोड पे,
तो मैं डिसाइड करूंगा कि कैथोड और एनोड पर कौन से प्रोडक्ट बनने वाले हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मैं मास और मोल जैसी बातों का मास और मोल ऑफ प्रोडक्ट डिटेल में चर्चा करूंगा मैं अगले लेक्चर में। मास और मोल ऑफ प्रोडक्ट्स की हम चर्चा करेंगे तो क्वांटिटी, देखो सीधी सी बात है कि क्वालिटेटिव जो वर्ड है, मैं थोड़ा सा और इसको मैं क्लियर कर दूं कि क्वालिटेटिव जो वर्ड है वो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। एसआरपी इज अ प्रॉपर्टी, एसओपी इज अ प्रॉपर्टी, और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड है। कैथोड पर क्या बनने वाला है, एनोड पर क्या बनने वाला है, ये हुआ क्वालिटेटिव। कितना बनने वाला है साहब, ये हुआ क्वांटिटेटिव। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग एग्जांपल्स की चर्चा करेंगे, कौन से आयंस पहले डिपोजिट होंगे, डिस्चार्ज होंगे, कौन से आयन बाद में डिस्चार्ज होंगे, कौन से आयन डिस्चार्ज नहीं होंगे, प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, ये ढेर सारी चर्चा, ढेर सारे कॉन्सेप्ट की चर्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। आप बेसिक तैयार करिएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का और इलेक्ट्रोलाइसिस का। अगली चर्चा जारी रहेगी इलेक्ट्रोलाइसिस पे, प्रोडक्ट्स और क्वांटिटेटिव एनालिसिस।